बाकी सब नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी है जो हॉस्पिटल की राजनीति करती है, स्कूलों की राजनीति करती है, बिजली की राजनीति करती है, पानी की राजनीति करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करती है। तो ये सब हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की सोच का असर है। दिल्ली में सरकार बनी तीसरी बार, तो दिल्ली के काम क्योंकि थोड़ा नजदीक है दिल्ली से पंजाब, इट्स ओनली 250 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नेशनल कैपिटल, तो दिल्ली के काम पंजाब पहुंच गए। तो 2022 में पंजाब वालों ने भी दिल्ली के कामों पर मोहर लगाते हुए 117 में से 92 सीट दी, 92 out of 117। हमने पंजाब में शुरू कर दिया वही काम, और हमें थोड़ा फायदा ये रहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उन कामों की मुश्किलों को झेला हुआ था, हमें बने बनाए काम मिल गए। हमको पता था कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनता है क्योंकि हमने बने हुए देखे थे, उसके पीछे कितनी दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो नहीं हमने देखी थी। हमने तो सोनारे की दुकान से सोना ही खरीद लिया, वो सोना कौन सी भट्टी में से निकल के आया था हमें नहीं पता भाई। तो हमने तो 600 इस वक्त राइट नाउ 664 आम आदमी क्लिनिक्स आर देयर इन पंजाब एंड 120 आर रेडी टू ओपन मे बी ऑन 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। 800 हो जाएगा हमारा, और आपको जान के हैरानी खुशी होगी, 70 लाख बंदा वहां पे आके अपना इलाज करवा के वापस जा चुके। 70 लाख मींस एवरी फोर्थ पर्सन, वी हैव 3 करोड़ पॉपुलेशन है पंजाब, मोर देन 3 करोड़। और एक सबसे बड़ी बात जो हो रही है उससे कि हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है कंप्यूटर में, कौन से एरिया में कौन से मरीज आए, डायबिटीज के कितने आए, हाइपरटेंशन के कितने आए, ब्लड प्रेशर के कितने आए, बच्चों में कौन सी बीमारी ज्यादा है, कौन से इलाके में ज्यादा है। तो हमको ये पता चलता जा रहा है कि पंजाब में कौन से एरिया में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है, हम उस हिसाब से वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं ताकि उस बीमारी को दबाया जा सके। फर्स्ट स्टेज पे तो ये हमारी पार्टी, हमने गारंटी दी, अभी तो खैर गारंटी लफ्ज हमारा चोरी कर लिया गया है बड़े शानदार तरीके से, और हमें भी कोई दुख नहीं है, हम तो और बना लेंगे, उनको ऐसे बने बने चीजें मिलती रहती, जुमले हैं उनके तो। अब जब भाजपा के लिए बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटी। हम तो पहले संकल्प पत्र होता था, घोषणा पत्र होता था, मैनिफेस्ट होता, अब कहते हैं मोदी की गारंटी। अरे कमाल, ये बात भी मैंने पार्लियामेंट में बोल दी थी, मुझे कैप्टन वैंजी ने बताया कि आपके खाते में सब गोवा में 15-15 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। नहीं है तो आप तो कह रहे थे आ गए, पंजाब में भी नहीं है, वो नहीं आएंगे। वो तो जुमला था, जुमला पार्लियामेंट में मैंने बोला, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। मोदी जी हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे लगता वो भी नहीं आती होगी पक्का, वो भी जुमला ही है, क्योंकि जब वो स्टेशन बना था तब तो मोदी जी हैं थे, वो तो बाद में बना था, तो मोदी जी बहुत बड़े हो चुके थे, तो बडोल क्या बगोडरा, वाह तो बहुत है।
पता नहीं तो पटड़ी बनाने वालों को चाय पिलाते रहे, वो तो बाद में बनी है बहुत रेल पटरी, वो भी जो मिला होगा तो क्या करें इनका वैसा, पूरे देश को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें। सिर्फ एक ही बंदा है जो उसके सामने खड़ा होकर कहता है मोदी कर ले जो करना, वो है उसका नाम अरविंद केजरीवाल। मैं तो स्कूल बनाऊंगा, मैं तो अस्पताल बनाऊंगा, मैं तो बिजली पानी फ्री दूंगा, तू पकड़ पकड़ के हमारे मंत्री को अंदर करना कर दे, अंदर जैन को अंदर कर दे, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दे, संजय सिंह को अंदर कर दे, मुझे ईडी के नोटिस भेजता रहे, लेकिन मैं तो काम की राजनीति कर करूंगा। मेरी राजनीति का नाम है काम। सो काम की राजनीति हम करना जानते हैं। हमें डराते हैं कि जेल में डाल देंगे, ईडी भेज देंगे, ईडी वाले भी आके हमें कहते हैं, कहते क्या करें, कोई सबूत तो है नहीं हमारे पास, बस आना पड़ता है, बॉस का हुक्म है। मैंने कहा ले जाओ हमारे घर से, जो भी निकल जाए चलो 50-50, तो हमें नहीं कुछ मिल रहा वहां से, तुम कहां से ढूंढ लोगे, पक्कर लोग हैं हम तो, पैसे कमाने वाले काम तो छोड़ चुके हैं। मैं बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मैं फिल्में हिंदी फिल्में लफ्टर चैलेंज बहुत बड़े काम कर सकता था। अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स कमीशन का जो ऑफिस का तो चपरासी जो है, PN जो है, वो भी बोरियां भर के लेके जाता है नोटों की, ये तो कमिश्नर थे, छोड़ दिए काम। कारण ये कि देश के लिए कुछ करना है। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यही है। जो ये लूट रहे हैं कर रहे हैं, पता नहीं क्या इनका, पता तो धर्मराज जी से ऊपर यमराज से बात हो चुकी है इनकी, कि आपके पैसे ऊपर आ सकते हैं, इसीलिए लूट रहे हैं और तो क्या, पता नहीं तो क्या। तो पंजाब में 40,000 नौकरियां दे के, सरकारी नौकरियां 20 महीने में 40,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। पंजाब में बिजली फ्री है, 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, दिल्ली में भी फ्री है। और पंजाब में एक उल्टी गंगा बही है पिछले दिनों, आमतौर पे सरकार आती है सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर अपने मित्र दोस्तों को बेच देती है, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। पंजाब में सरकार क्योंकि ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल के जो दिए हुए प्रण हैं, दिए हुए वचन हैं, उन पे चलती है। पंजाब सरकार ने घाटे में चल रहा प्राइवेट सेक्टर का एक थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का 1 जनवरी को खरीदा है, हमने खरीदा है, पहली बार हुआ प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर खरीद रहा है, 540 मेगावाट का 1,080 करोड़ में खरीदा है श्री गोविंदवाल साहब ने अमृतसर के पास। ये काम ऐसे काम चाहिए गोवा में, आप भी झाड़ू उठा लो, कुछ ज्यादा हमारा कोई बड़ा कोई आंदोलन नहीं करना, कोई बड़े कोई इनकलाब की जरूरत नहीं है, बंद कमरे में छोटी सी मशीन है, पर्दा लगा हुआ है, उस पे झाड़ू वाला बटन है, वो दबा देना है, काम हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी झाड़ू वाला बटन दबा के खत्म, हमारी शुरू उसी दिन से। EVM पक्का, कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में एक बात बोली थी, मैंने कहा जब भी EVM के खिलाफ कोई पार्टी आवाज उठाती है तो बीजेपी EVM के पक्ष में क्यों आ जाती है। नहीं 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 नहीं, ये ठीक है जी, ठीक है, अगर उनको मोदी पर इतना ही यकीन है तो वो कहीं पैसे मर्जी डलवा लो जी, मोदी की लहर है, मोदी की लहर में जीतेंगे। EVM के पक्ष में क्यों आते हैं वो, कि नहीं 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 ये ठीक है जी, ठीक है, इसका मतलब कुछ तो है फिर, अदरवाइज वो सपोर्ट क्यों करें। अगर उनको मोदी जी की पॉपुलैरिटी पे इतना यकीन है कि चाहे
घड़े में मत डलवा लो, चाहे पर्ची से डलवा लो, चाहे कैसे भी डलवा लो, हमें यकीन है मोदी जी की पॉपुलैरिटी है तो पता चल जाएगा। शक तो हो रहा है, देखो आम लोग कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, शक तो हो रहा है, इसका मतलब है कुछ। चलो भगवान है, वो भी देखेगा, सब कुछ देख भी रहा होगा। सो दो गोवा का एक और भी धन्यवाद करना चाहूंगा, गोवा और गुजरात का, खास तौर पे कि गोवा और गुजरात में जब एमएलए बने उसके बाद आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है, 10 साल में नेशनल पार्टी। तो ये दो, ये हिस्ट्री में लिखा गया द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी। और पंजाब में आप आइएगा, वैसे गोवा वालों को ये कहना कि आप पंजाब आइएगा थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन टूरिज्म के लिए पंजाब ही आके देखिएगा एक बार, आप तो है ही टूरिज्म के हब है देश का, लेकिन पंजाब में आके देखिएगा गोल्डन टेंपल, वाघा बॉर्डर, पठानकोट में 157 स्क्वायर किलोमीटर और 450 मीटर गहरी लेक है, इससे ज्यादा ग्रीन वाटर दुनिया में नहीं है, और उसका नाम पता क्या रखा हुआ, मिनी गोवा। उसको मिनी गोवा, आप गूगल पे जाके देखना, मिनी गोवा इन पंजाब आप आ जाएंगे। सो एक गोवा तो हमारे पास भी है, तो आप आइए पंजाब, आइए दिल्ली, आइए, हम आपको होस्ट करेंगे। और अच्छा लग रहा है कि इतने समझदार और अच्छे लोग बैठे हैं, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अरविंद जी ने अपनी आने वाली राजनीति की बातें आपको बतानी है, और बस यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।